हुए जॉन ने उसे वह बच्ची दे दी। नेल रोती रह गई। जादूगरनी हेलगा ने उस बच्ची का नाम रैपुंज़ेल रखा। बड़ी होकर रैपुंज़ेल एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके 12 वर्ष की होने पर हेलगा उसे मीनार पर ले गई और वहां बंद कर दिया। उस मीनार में न दरवाजा था न ही सीढ़ी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रैपुंज़ेल के बाल लंबे और सुनहरे थे। जब भी हेलगा को उससे मिलने होता वो मीनार के नीचे से चिल्लाती, रैपुंज़ेल अपने बाल छोड़ो। रैपुंज़ेल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और हेलगा उसके सहारे चढ़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच जाती। हेलगा खाना और पानी देने दोपहर में रैपुंज़ेल के पास जाती थी। बाकी समय रैपुंज़ेल मीनार में अकेली रहती थी। रैपुंज़ेल को उस मीनार में रहते हुए कई साल बीत गए। मीनार में बंद रहकर वह बहुत दुखी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। कई बार उसने बूढ़ी जादूगरनी हेलगा से कहा, लेकिन हेलगा उसे मीनार से बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। रैपुंज़ेल की आवाज बहुत सुरीली थी। वो अक्सर मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाया करती थी। एक दिन वो हमेशा की तरह मीनार की खिड़की में बैठी गाना गा रही थी, तब एक राजकुमार वहां से गुजरा। वो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। सुरीली आवाज सुनकर वह मीनार की ओर गया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही गाने की आवाज बंद हो गई और एक कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी, रैपुंज़ेल अपने बाल छोड़ो। यह आवाज बूढ़ी जादूगरनी हेलगा की थी। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद सुनहरे बाल नीचे आए और हेलगा बाल पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ने लगी। यह देखकर राजकुमार दंग रह गया। वो यह सब एक पेड़ की ओट में छिपकर देख रहा था। हेलगा के जाने के बाद उसके मन में सुनहरे बालों और सुरीली आवाज वाली लड़की को देखने की इच्छा जाग गई। वो मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रैपुंज़ेल अपने बाल छोड़ो। तुरंत ही सुनहरे बाल नीचे आए। राजकुमार उसे पकड़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच गया। राजकुमार जब अंदर आया तो रैपुंज़ेल घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उससे बहुत प्यार से बात की और रैपुंज़ेल का सारा डर चला गया। राजकुमार के कहने पर उसने उसे गाना सुनाया। उस दिन के बाद से राजकुमार रोज रैपुंज़ेल